नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट धनंजय कुमार द्विवेदी एक बार फिर से आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत ही एक आईपीसी 366 क्या होता है इसके विषय में पूरा नॉलेज देने वाला हूं। इसमें आईपीसी की 366 कब लगती है और लगने के बाद इसमें जमानत कैसे मिलेगी और इसमें कितने साल की सज़ा होती है, ये पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और उसे ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों, समय न लेते हुए आप लोगों को चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ कि आईपीसी की जो धारा है 366 ये क्या होती है और कब होती है, इसके बाद मैं इसमें जमानत लेने की विधि बताऊंगा कि आईपीसी अगर 366 लग गया किसी के ऊपर तो इसमें जमानत कैसे मिलेगी, उसको मैं वीडियो के आगे बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि आईपीसी 366 कब लगती है। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा आईपीसी 366 जब कोई व्यक्ति किसी भी महिला का या किसी भी का जब लड़की हो या महिला हो उसका जो है वो अपहरण करता है और अपहरण इसका उद्देश्य ये होता है कि उसके मर्जी के खिलाफ, मतलब कि जब कोई व्यक्ति किसी लड़की का या महिला का अपहरण कर लेता है और उसका एक आशय ये होता है कि उसके मर्जी के खिलाफ किसी के साथ या और अपने साथ उसके मर्जी नहीं है और अपने शादी करवा देना, मतलब कि महिला की रजामंदी नहीं है, लड़की की रजामंदी नहीं है और उसको किडनैप कर लिया गया, किडनैप करके उसको किसी प्रकार का लालच दे करके या उसे विवश करके उसको किसी भी प्रकार के बहकावे में ला करके शादी करवाना, इस ऐसे उद्देश्य में अपहरण होता है जब। और वो अपहरण जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं, किसी को पकड़ लिए हैं, बैठा लिए हैं और वो फ़ोन कर दिया है, आप रास्ते में पकड़ गए तो भी अपहरण में आएंगे, अगर कहीं पे जाकर सुरक्षित स्थान में बैठ गए उसके बाद पकड़ गए तो भी अपहरण में आएंगे। ये नहीं कि आप रास्ते में पकड़ गए तो अपहरण में नहीं आएंगे। अगर आपने ये कार्य कर लिया है और किसी ने उसकी सूचना दे दी है और आप कहीं भी पकड़े जा रहे हैं बीच रास्ते में या कहीं भी या कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के बाद, तो और उसमें ये आशय निकल रहा है कि आपने जिसको किडनैप किया है, जिस महिला को, उसका आपका उद्देश्य ये था कि इसके मर्जी के खिलाफ हम शादी करना चाहते थे, इसको कुछ लालच दे करके या इसको विवश करके, तो इस स्थिति में आईपीसी की धारा 366 लगती है। तो दोस्तों, आप लोग ये समझ गए कि 366 क्या है और कब लगती है। अब इसमें कितने साल की सजा है और जमानत कैसे मिलेगी उसको आगे बताता हूँ। पहले जान लेते हैं कि इस धारा में कितने साल की सजा होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आईपीसी की जो धारा 366 होती है इसमें जो सजा का प्रावधान है, पहले तो आप ये मान लीजिए कि इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और ये एक संज्ञेय अपराध में आता है। अगर दोस्तों आप लोग इसमें साबित हो गए हैं तो इसमें जो है सजा जो होगी तो आपको 10 साल तक की हो सकती है। और अब चलिए वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ जमानत लेने की प्रक्रिया। अगर आप लोगों को आईपीसी की सेक्शन 366 लग गया है तो इसमें जमानत कैसे मिलेगी, तो आप लोग गौर से समझिएगा कि जमानत लेने की इसकी क्या प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों, जो आईपीसी की धारा 366 होती है, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि गैर जमानती होती है, नॉन बिलेबल होता है, इसमें जमानत की कोई प्रावधान नहीं होते हैं। पर उसमें ऐसा नहीं कि जमानत नहीं मिलेगा, मिलेगा जमानत, कब मिलता है उसके लिए कोई प्रक्रिया होती है। एक क्रिया ये होती है कि जब आप आईपीसी 366 में अगर फंस गए हैं तो सबसे पहले तो एक वकील करना पड़ेगा आपको, और वो वकील अच्छा वकील करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो वकील जा करके वहाँ पे आपको जब बहस होगी वहाँ पे जा करके जब वो ये समझा पाएगा कि जो ये अपहरण हुआ है इसमें जो आशाएं दिखाई गई हैं, इसमें जो बातें बताई गई हैं वो गलत है, बात ये नहीं थी, बात दूसरी है, और जब सामने बैठे हुए जज को इस चीज को मालूम हो जाएगा कि नहीं आप इस केस में ऐसे सम्मिलित नहीं थे, जब उनको ये महसूस हो जाएगा और आपका जो वकील है जब वो वहाँ पे ये महसूस करा देगा कि नहीं जो यहाँ पे किडनैपिंग हुई है उसके ये आशय नहीं था,
उसमें आपका हाथ नहीं था, आप कहीं और थे, आपको गलत तरीके से फंसाया गया है या कैसे करके, जब उसमें कोई निचोड़ निकाल के करके उनके सामने सक्षम होकर के जब पेश किया जाएगा और उनको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें आपका हाथ नहीं था, तभी दोस्तों आपको जमानत मिलेगी, अन्यथा इस केस में आपको जमानत नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि IPC की धारा 366 क्या होती है। और दोस्तों अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़े तो कृपया मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।